फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है, फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा हुआ था, हम लोग जो क्वेश्चंस किए थे वो सीरीज पे बेस्ड था और इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले ये हमारा क्वेश्चन बेस्ड होगा पैरेलल के ऊपर। और पैरेलल को लेके अगर हम लोग बात करें तो पैरेलल मतलब कहीं ना कहीं हम पहले भी देख चुके हैं क्या, दिस इज द कंपोजिट शाफ्ट। अगर आपका शाफ्ट सीरीज में होता है तो हम उसको कंपाउंडिंग बोलते हैं, कंपाउंड शाफ्ट बोलते हैं। और अगर आपका पैरेलल में हो तो पैरेलल वाली जो शाफ्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट शाफ्ट बोलते हैं। इसकी पहचान के लिए मैंने आपको एक देसी जुगाड़ का तरीका यह बताया था कि जो आपका शाफ्ट है अगर उसके आपके दोनों एंड फिक्स हो तो कहीं ना कहीं वो जो शाफ्ट है वो आपका पैरेलल में होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं टेक्निकली बात करूं इस मैटर पे तो डेफिनेटली हमारा क्या है, जहां पर एंगल ऑफ ट्विस्टिंग आपको सेम दिखे वो आपका शाफ्ट क्या होता है, कंपोजिट में जाता है, मतलब पैरेलल कनेक्शन में जाएगा सीधा। तो देखते हैं हम लोग, तो ये आपके पास क्वेश्चन है। अगेन सबसे पहले आपको क्या काम करना है, इस वीडियो को पॉज करिए, पॉज करने के बाद सॉल्व करिए। यहाँ पर ये जो आपको पहला वाला क्वेश्चन दिख रहा है, ये जो आपके पास क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स गिनती नहीं है कितने बार आपके एग्जाम्स में आया हुआ है, इवन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे आपका मेंस का क्वेश्चन हो, एसएससी जेई मेंस के पेपर में भी आया है, एसएससी जेई प्री मतलब ऑब्जेक्टिव पेपर में भी आया हुआ है, आईएएस में भी आया हुआ है, गेट में भी आया हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन हमको दिख रहा है ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव ले लो चाहे आपका मेंस ले लो, सभी एग्जाम्स में आए हुए। और जो सेकंड वाला क्वेश्चन है इसी का थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको ज्यादातर मेंस के एग्जाम में दिखेंगे, ऑब्जेक्टिव में अगर आपसे आएगा तो सीधा सीधा आपको कुछ चीजें आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेगा और उस चीज को भी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं फर्स्ट वाला जो हमारे पास क्वेश्चन है, आपको क्या बोला हुआ है, डिटरमाइन द फॉलोइंग इन द गिवन फिगर। ये हमारे पास फिगर दिया हुआ है, आपको क्या डिटरमाइन करना है, टॉर्क एट द फिक्स एंड। आप यहाँ पर फिक्स एंड देखोगे तो ये आपका जो सी है ये वाला पॉइंट आपका ए है, ये आपका बी है, तो ए और बी पे आपको टॉर्क कैलकुलेट करना है। दूसरा आपको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना है, तीसरा आपको रिलेटिव एंगल ऑफ ट्विस्ट एट सी पॉइंट पर निकालना है। तो इस चीज को अगर हम लोग देखें तो किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो देखो सबसे पहला चीज, अगर मैं यहाँ पर मैं अभी आपको फर्स्ट सॉल्यूशन लेके चल रहा हूँ और फर्स्ट सॉल्यूशन में देखें तो क्या होगा, ये हमारे पास देखिए ये हमारे पास एक शाफ्ट है जिसका ये फर्स्ट वाला जो ये मैं डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पर, तो ये हमारे पास जो शाफ्ट है इसके दोनों एंड आपके क्या है, फिक्स है। और यहाँ पर ये आपका देखेंगे तो ये आपका क्या है, न्यूट्रल लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे थे तो ये वाला शाफ्ट का पॉइंट हमारे पास है और ये पॉइंट हमारे पास है दिस इज द पॉइंट सी, ये हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है ए और ये हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है बी, ठीक है। इस पे इसने क्या किया हुआ है, एक टॉर्क लगाया हुआ है, जो टॉर्क इसने अप्लाई किया हुआ है वो सी पे इसने टॉर्क लगाया हुआ है, तो इस तरीके से यहाँ पर टॉर्क अप्लाई हुआ एट पॉइंट सी। तो फाइनली पहले मुझे करना क्या है कि टॉर्क निकालना एट द फिक्स एंड। फिक्स एंड का मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ए भी है और सी भी है, मतलब हमको निकालना है क्या, टी ए निकालना है एंड टी ऑफ सी निकालना है। तो ये हमको टॉर्क निकालना है इस पॉइंट पर, पॉइंट ए पर और पॉइंट आपका सॉरी नॉट सी बी, ए पर और आपको कहां पर कैलकुलेट करना है, बी पर कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम लोग कैसा करेंगे, याद है हमने फ्रेंड्स इस तरीके का एक क्वेश्चन हमने किया था जब हमने एक्सियल लोडिंग को पढ़ा हुआ था और एक्सियल लोडिंग का सेम कंसेप्ट यूज होने वाला है। अगर आपको याद हो तो इस तरीके का हमने एक्सियल लोडिंग में क्या देखा हुआ था, ये अगर मान लीजिए कि मेरे पास कोई शाफ्ट है, ठीक है, और ये आपका कोई बार था जिसमें ये आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस था और इसमें हमने देखा हुआ था क्या कि ये जो आपका पॉइंट सी है इस पॉइंट सी पर यहाँ पर एक लोड लगा हुआ था और ये हमारे पास पी लोड लगा हुआ था, ये पॉइंट हमारे पास ए था, ये पॉइंट हमारे पास बी था और ये पॉइंट को हमने लिखा था सी। तो यहाँ पर याद करिए कि जब हमने इसको इक्विलिब्रियम लेके गए थे तो क्या हुआ था, जब आप पी को आप इधर मतलब राइट तरफ खींचेंगे तो ये आपको ए क्या करेगा, ए आपको लेफ्ट की तरफ इधर रिएक्शन देगा और जब बी सी बी वाला जब ये कंप्रेस होगा तो ये आपका रिएक्शन क्या होगा, इधर की तरफ देगा। तो देखो ए और बी का तो आपका डायरेक्शन सेम हो गया, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, आर ए प्लस यहाँ पर आप देखोगे तो आर बी इक्वल टू हमने क्या लिखा हुआ था पी, ये आपका कहाँ चला था, कहानी एक्सियल लोडिंग के अंदर। उसी तरीके से क्या है कि जब आप इसको ट्विस्ट करने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली क्या करेगा, टॉर्क रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा, क्यों, क्योंकि फिक्स लेंथ पर डेफिनेटली आपका टॉर्क जो आपको पॉइंट की अगर बात करें तो एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या मिलेगा, जीरो। तो यहाँ पे अगर जैसा कि मैं बात करूं तो यहाँ पर हमको क्या सिनेरियो दिख सकता है,
इस केस पे बात करें तो देखो यहां पर मैं अगर रिएक्शंस को लेकर बात करूं तो क्या क्या रिएक्शन आएगा। तो अगर मान लीजिए कि सपोज ये अगर आप देख रहे हो एंटी क्लॉक वाइज घूम रहा है, तो यहां पर आपको क्लॉक वाइज में एक रिएक्शन दिखेगा, ये रिएक्शन आपको दिखेगा टी ऑफ ए, और यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो एक और रिएक्शन दिखेगा, और ये रिएक्शन आपको मान लीजिए कितना टी बी। अब बात है कि मैंने डायरेक्शन कैसे लिया है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको डायरेक्शन को लेके कंफ्यूजन है कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो इच्छा करता आप उस डायरेक्शन को एज्यूम कर लो। अगर आपका डायरेक्शन करेक्ट होगा तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, अदरवाइज वैल्यू निगेटिव आएगी। क्लियर? तो आपको जैसा डायरेक्शन मन करता उस डायरेक्शन में एज्यूम कर लो। फिलहाल अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो मैंने कैसा एज्यूम किया है कि देखिए जो सी है, तो ये जो आपका शाफ्ट है, इस शाफ्ट को आप अंदर की तरफ बेंड करोगे, तो जब अंदर की तरफ बेंड करोगे तो क्या होगा, बाकी दो डायरेक्शन क्या करेगा, अपोज करेगा। तो ये आपका ए और सी, इसीलिए मैंने इसके टी के अपोजिट डायरेक्शन में लगाया हुआ है, जो आपका टॉर्क ए है और जो आपका टॉर्क बी है। क्लियर है? अब देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर नेट रिएक्शन, अगर इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे बात करूं तो देखो टी ए प्लस टी बी, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं क्या टी ए, और यहां पर मैं लिख सकता हूं टी बी, तो टी ए प्लस टी बी विच इज इक्वल टू टी। क्या ये कहानी आप तक क्लियर है? जो मैंने टी ए लिखा है प्लस टी बी लिखा है विच इज इक्वल टू टी, अगर आपने अपोजिट डायरेक्शन लेता तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहां पर इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, दूसरा चीज अगर मैं बात करूं तो मुझे निकालना टी ए और टी बी ही है। दूसरा चीज अगर हम लोग देखें तो यहां पर देखिए एंगल ऑफ ट्विस्ट, एंगल ऑफ ट्विस्ट ये आपका पॉइंट क्या है, सी है। तो इस पॉइंट सी पर अगर मैं एंगल ऑफ ट्विस्ट को लेकर बात करूं तो डेफिनेटली यहां पर जो शाफ्ट है वो शाफ्ट आपका किस पे दिखेगा, पैरेलल कनेक्शन में दिख रहा है ना, ये जो आपका शाफ्ट है क्या पैरेलल में है। तो यहां पर जितना एंगल ऑफ ट्विस्ट आपको एसी के साथ दिखेगा उतना ही आपको बीसी के साथ दिखेगा। फिलहाल मैं इसको देखो फर्स्ट शाफ्ट ले लेता हूं, इसको मैं सेकंड शाफ्ट ले लेता हूं, तो यहां पर मैं बोल सकता हूं क्या, देखो टॉर्क आपका जो अप्लाई हुआ ए पॉइंट पर विच इज इक्वल टू बी पर, तो सी के रेफरेंस में अगर मैं बात करूं तो टॉर्क ऑफ ए सी और प्लस टॉर्क ऑफ बी सी लिख सकते हैं, मतलब मैं इसको टी वन प्लस टी टू इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं टी। ठीक है, एंड थीटा को बात करें तो थीटा ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू ए विच इज इक्वल टू थीटा ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो थीटा ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो थीटा ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू ए का मतलब ये आपको थीटा वन मिल गया, और थीटा ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू बी का मतलब थीटा टू मिल गया आपको। कहानी क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे थीटा को हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखिए मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको दोनों मेथड बताऊंगा, एक हम लोग ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू वाला मेथड देखेंगे और एक हम लोग कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू वाला मेथड देखेंगे। अभी मैं जो इसको सॉल्व कर रहा हूँ पूरा डिटेल सॉल्व कर रहा हूँ कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके बाद मैं आपको इसका डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला भी दे दूंगा जहां से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो यहां पर जैसे अगर मैं बात करूं तो यहां पर मुझे क्या चीजें दिख रही है, थीटा वन इक्वल टू थीटा टू। अब थीटा वन में अगर मैं बात करूं तो क्या मिलेगा, अब ये देखो ये जो हमारे पास लेंथ है, ये हमारे पास लेंथ है दैट इज द एल बाई फोर, और ये जो हमारे पास लेंथ है ये लेंथ हमको जो मिला हुआ है विच इज इक्वल टू थ्री एल बाई फोर। तो थीटा वन में अगर मैं बात करूं तो ये हमको मिलेगा टी वन एल वन डिवाइड बाई जी वन जे वन, ये हमको मिला। यहां पे अगर मैं बात करूंगा तो ये हम लोग लिख सकते हैं टी टू एल टू डिवाइड बाई जी टू जे टू, ये हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो जे अगर मैं बात करूं तो व्हाट इज जे, अगर यहाँ पे मैं बात करूं जे को लेकर तो जे आपका क्या होता है, दैट इज द पोलार मोमेंट ऑफ इनर्शिया पाई बाई 32 डी की पावर 4। इसमें आप देखोगे तो एसी हो या बीसी हो डी वाला कहानी तो सेम है और आपका मटेरियल भी कहीं ना कहीं सेम है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जीजे वाली कहानी तो खत्म ही है। आप टी वन और टी टू पे आइए, तो यहाँ पर देखो लिख सकते हैं क्या टी वन, तो टी वन तो हमने यहाँ पर लिख दिया टी वन इन टू एल वन की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं डेट इज द एल बाई फोर, तो यहाँ पर हमने लिख दिया एल बाई फोर विच इज इक्वल टू टी टू, टी टू की वैल्यू क्या हो जाएगा टी माइनस टी वन, तो यहाँ पर हमने लिख दिया टी माइनस टी वन, ये आपको क्लियर है। और यहाँ पर आपको एल टू क्या मिल रहा है डेट इज द थ्री एल बाई फोर, तो यहाँ पर हमने लिख दिया क्या थ्री एल बाई फोर। कहानी क्लियर? अब देखो डिवाइड बाई फोर वाली कहानी तो खत्म है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं देखो एल बाई फोर, यहाँ भी आप देखोगे तो आपको दिख रहा है क्या एल बाई फोर, और ये एल बाई फोर की कहानी समाप्त है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्या, देखो ये आपको मिला टी वन विच इज इक्वल टू, ये आपको मिला थ्राइस ऑफ टी माइनस थ्राइस ऑफ टी वन, यही तो मिला हुआ है। आप इसको सिंप्लीफाई करिए, जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, इस पोर्शन को पहले हम लोग रफ करते हैं। यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए T1, तो ये आपका इधर ट्रांसफर होगा, तो विच इज इक्वल टू अगर आप देखोगे तो ये आपको मिलेगा फोर टाइम्स ऑफ T1,
तो 4 टाइम्स ऑफ t1 इक्वल टू आपको क्या मिलेगा 3t, ये आपको दिखा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ t1 को देकर, तो t1 की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, t1 की वैल्यू आपको मिलेगा 3t/4। जो आपको t1 मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको 3t/4। क्लियर है? तो ये आपको क्लियर हुआ। तो ये जो हमको t1 मिला हुआ है, ये हमको t1 जो मिला इस सेक्शन के लिए मिला हुआ है, मतलब टॉर्क हमारा t1 पे आ चुका है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं t2 को लेकर बात करता हूं, तो यहां पर देख लो इस इक्वेशन से, ये अगर मुझे निकालना है t2, तो t2 इक्वल टू आपका क्या होगा t-t1 होगा। तो इसको सॉल्व करिए, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, t-t1 की वैल्यू क्या होगी, विच इज इक्वल टू 3t/4। तो फाइनली t2 की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, विच इज इक्वल टू t/4। तो ये जो हमको मिल गया, ये हमको t2 की वैल्यू मिल गई है। मतलब कुल मिला के अगर आप कहानी देखोगे यहाँ पर, तो जो आपको t1 मिला और t2 मिला हुआ है, t1 की वैल्यू 3t/4 आई हुई है, t2 की वैल्यू t/4 आई हुई है। ठीक है, अब ये जो हमको t1 और t2 मिला है, मतलब क्या, डेफिनेटली आपका ta और tb की जो वैल्यू बात कर रहे हैं वही है। ये जो आपको मिला हुआ है ये है आपका ta, ये जो आपको मिला हुआ है ये आपको tb मिला हुआ है। अब सुनिए, कभी कभी क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डे, कभी कभी नहीं, आपको ऑप्शन में तो परमानेंट मिलेगा, एक आपको ta tb देगा, एक बार इसको ta लिख देगा, एक बार इसको tb लिख देगा। अब ये बताओ, पहला चीज, जब इस पे ओवरऑल टॉर्क टी लग रहा है तो दोनों का एडिशन टी आना चाहिए, डेफिनेटली t/4 + 3t/4 दोनों का एडिशन आपको क्या मिला, टी मिला। तो ये बताइए कि जो आपका टॉर्क है ये आपका ए से नियरेस्ट डिस्टेंस पे है, तो डेफिनेटली इस टॉर्क का इफेक्ट पॉइंट ए, जो ए वाले सेक्शन पे ज्यादा जाएगा कंपेयर टू बी, जो आपका पॉइंट सी या जिस पॉइंट पे आपका टॉर्क लग रहा है वो ए से नियरेस्ट है ना, तो ए से नियरेस्ट मतलब ये है, तो टॉर्क का ज्यादा इफेक्ट किस पे जाएगा, ए पे जाएगा। तो मतलब मैं यहाँ पर इस डायग्राम को देखकर ही ये बता सकता हूँ क्या, कि पर्टिकुलर इस केस में जो टॉर्क ऑफ ए है वो आपका ग्रेटर देन जाएगा बी के कंपेयर में। ये चीज आपको क्लियर हुआ, जो टॉर्क ए है डेफिनेटली ग्रेटर देन जाएगा बी में। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि हम लोग ऑप्शन को इजिली एलिमिनेट कर सकें। क्लियर? तो यहां से मेरा देखिए ये टॉर्क आइडेंटिफाई हो गया। ये जो हमारे पास था फ्रेंड्स, ये मेरे पास कन्वेंशनल मेथड है। अगर मैं ऑब्जेक्टिव मेथड्स की तरफ शिफ्ट करूं, तो ऑब्जेक्टिव मेथड हमारे पास क्या हो सकता है, इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला आपको बता रहा हूं। टी ए इक्वल टू हम लोग को क्या करना है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, जिस पॉइंट पे आपका, किस पॉइंट पे जितना टॉर्क लग रहा है, यहां पर टी लग रहा है, हो सकता है इसके जगह 5t लगे, 4t लगे, तो आपको जिस पॉइंट पर आपको टॉर्क एक्ट कर रहा है तो उसको पहले हम लोग लिखेंगे। मतलब यहां पर हमने लिख दिया टी इनटू, अब देखो आप जो निकाल रहे हो ए के लिए निकाल रहे हो, तो ए के लिए निकाल रहे हो तो इस पॉइंट को छोड़ो, इस पॉइंट से बी तक के रिमेनिंग डिस्टेंस को देखो, ये आपको कितना दिख रहा है 3l/4 दिख रहा है, तो इस पॉइंट को हमने क्या लिख दिया, विच इज इक्वल टू 3l/4। क्यों लिया हो, क्योंकि आप ए पॉइंट पे जा रहे हो, तो ये इस पॉइंट से अनदर एंड जो है, अनदर एंड वाला डिस्टेंस देखे, और डिवाइड बाई आपको देखना है क्या, टोटल डिस्टेंस। कहानी खत्म है, टोटल डिस्टेंस हमने लिखा हुआ है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, विच इज इक्वल टू 3t/4। ठीक है, कहानी क्लियर। इसमें हमने किया क्या है, अगर ये देखोगे तो हमने किया क्या है, पहला तो आपको यहां पर देख सकते हो क्या, नेट टॉर्क, इसका मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, जो मैंने ऊपर वैल्यू लिखा हुआ है इसका मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं। पहला हमने क्या किया, नेट टॉर्क, नेट टॉर्क अगर आप देखोगे तो कितना लग रहा है, टी इनटू डिस्टेंस बिटवीन अनदर टू एंड्स, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन अनदर टू पॉइंट्स लिखते हैं, नॉट एंड्स, डिस्टेंस बिटवीन अनदर टू पॉइंट्स, ये आपको क्लियर हुआ, और डिवाइड बाई आपको क्या मिलेगा, डिवाइड बाई आपको टोटल लेंथ है, तो टोटल लेंथ आपको कितना मिला हुआ है, ये एल मिला हुआ है, तो ये आपको दिखेगा डिवाइड बाय टोटल लेंथ, ये जो आपको डिवाइड में क्या मिला हुआ है, टोटल लेंथ मिला हुआ है, तो ये आपको जो मिला है, ये आपको क्या मिला है, टी ए। अच्छा, अगर आप मान लो टी वी निकालना चाहते हो तो क्या होगा, सबसे पहला चीज, ये तो आपका रिएक्शन पे निकालना है, तो आप इस चीज को पहले तो मेमोराइज कर लो, ठीक है, ऑब्जेक्टिव है। बिल्कुल इसी तरीके का फॉर्मूला मैंने जब एक्सियल लोड पढ़ा रहा था तो उस टाइम भी मैंने दिया हुआ था, ठीक है। अभी देखो कई लोग क्या है, इस चीज में तो सिंपल लग रहा है, अभी इस चीज को हम लोग यहाँ पर भी अप्लाई करके देख सकते हैं और डेफिनेटली देखेंगे। तो यहाँ पर ये, अच्छा ये टी ए हमने निकाला हुआ है, टी बी एक बार आप निकालिए तो कितना आ रहा है, टी बी इक्वल टू नेट टॉर्क आपको कितना मिला हुआ है, टी इन टू डिस्टेंस बिटवीन अनदर टू पॉइंट्स, अब ये टीवी पे निकाल रहे हो ना, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आपको कितना दिख रहा है, विच इज इक्वल टू एल बाई फोर, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, एल बाई फोर, डिवाइड बाई आपको कितना लेंथ दिख गया, टोटल लेंथ,
तो जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपको फाइनली क्या मिलेगा, विच इज इक्वल टू टी बाई फोर। देख लो टीबी इक्वल टू टी बाई फोर आपको आया हुआ है, यही तो हमारे पास टीबी है। ठीक है, तो ये जो हमने निकाला हुआ है, ये हमारा जो निकला है टॉर्क एट फिक्स एंड पे निकला हुआ है। और टॉर्क एट फिक्स एंड का मतलब ये है कि चाहे आप पॉइंट ए पर बात कर लीजिए, चाहे आप पॉइंट बी पर बात कर लीजिए, आपको ये वैल्यू क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। सेम नहीं मिलेगा, इन द सेंस जो नियरेस्ट आपका रहेगा वहां पर आपको मिलेगा। तो ये हमारा टॉर्क निकल चुका है। अब ये बताइए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस बोल रहा है, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना कौन सी बड़ी बात है। अगर मैं यहां पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को लेकर बात करूं तो देखो यहां पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होता है। पहले तो शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 16T/πdQ, यही तो होता है। यहां पर जो हमारे पास मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है, ये हमारे पास क्या होता है, 16T/πdQ, यही तो होता है। अब ये बताइए यहाँ डाया तो दोनों सेक्शन के लिए सेम है ना, तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर आप देखोगे डाया तो हमारे पास क्या है, सेम है। ठीक है, तो जिसका आपको टी ज्यादा मिलेगा डेफिनेटली टाउ भी आपको उतना ज्यादा मिलेगा। तो अगर आप टाउ मैक्सिमम निकालना चाहते हो तो टाउ मैक्सिमम आपको किस पे मिलेगा, जिसके लिए टी ज्यादा है। टी आपका कौन से सेक्शन के लिए ज्यादा, ए पोर्शन पे आपको टी ज्यादा आ रहा है, तो 16T/πdQ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो जो टाउ मैक्सिमम है, टाउ मैक्सिमम आपको कौन से सेक्शन में ज्यादा मिलेगा, एसी में। तो टाउ ऑफ जो आपका एसी वाला सेक्शन है उसे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मिलेगा। मिनिमम की बात करेगा तो डेफिनेटली ये देखो टाउ मैक्सिमम था तो टीए जो हमने लिखा था, टीए आपका क्या था, टी मैक्सिमम था ये पोर्शन। ठीक है, उसी तरीके से टाउ अगर मिनिमम की बात करेगा तो ये भी हम लोग निकाल सकते हैं। जो मिनिमम स्ट्रेस क्या होगा, 16T/πdQ/πdQ। और यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो ये हमारे पास जो टीबी मिला हुआ है वो टीबी आपको क्या मिलेगा, टी ऑफ मैक्सिमम। कहानी कुछ समझ में आया, तो ये हमको मिला है टाउ मिनिमम आपको मिला हुआ है, डेट इज द मिनिमम टाउ, सॉरी नॉट मैक्सिमम, ये आपका जो बी है ये आपका क्या है, मिनिमम है। इसके अकॉर्डिंग आपका जो शियर स्ट्रेस है वो आपको क्या दिखेगा, मिनिमम दिखेगा। ठीक है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस रिलेटिव एंगल ऑफ द टेस्ट। अब ये रिलेटिव एंगल मैं निकालना चाह रहा हूँ, ये कैसे हमारा निकलेगा, तो देखो टी वन और टी टू तो हम लोग निकाल चुके हैं और बी के साथ, रिलेटिव एंगल ऑफ टेस्ट एट पॉइंट सी। तो सी पर अगर मैं बात करूं तो देखो सी पे हमारा कैसे कैलकुलेट हो सकती है चीजें, अगर हम लोग सी पर कैलकुलेट करें तो सी पर हमारा चीजें कैसे कैलकुलेट हो सकती है, इजी है, कुछ नहीं करना है। हमने देखा है कि अगर ये पैरेलल कनेक्शन में डेफिनेटली दोनों एंड फिक्स है तो पैरेलल है, तो यहाँ पे हम लोग को ये चीज पता है क्या कि थीटा ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू ए विच इज इक्वल टू थीटा ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू बी। ठीक है, अब ये थीटा, थीटा इक्वल टू क्या होता है, टी एल बाई जी जे होता है। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, टी एल बाई जी है। तो कोई भी आप एंगल, दोनों आपका सेम है तो कोई भी आप एक एंगल को कैलकुलेट कर लो, कहानी खत्म है। तो थीटा ऑफ सी ए जब निकालोगे तो ये आपको मिलेगा टी एल बाई जी जे। अब सी ए जो आप निकाल रहे हो तो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट वाला सेक्शन है, तो फर्स्ट सेक्शन के लिए कैलकुलेट करोगे कितना आएगा, टी की वैल्यू क्या रखोगे इस सेक्शन के लिए, टी ए, टी ए की वैल्यू आपको कितना मिला हुआ है यहाँ पर, ये आपको मिला है 3T/4। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 3T/4 इनटू एल की वैल्यू कितना है, एल बाई फोर, तो ये हमने लिख दिया एल बाई फोर डिवाइड बाई जी जे। जी जे आपका क्या निकल कर आ सकता है, जी अगर आप बात करेंगे तो मान लो कि सपोज जो भी चलो कॉन्स्टेंट आया, और यहाँ डी की बात करें तो चलो जे भी हम लोग सेम रखते हैं, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको कितना मिलेगा, ये आपको मिलेगा 3TL/16GJ। समझ में आया, तो ये हमको जो मिला है ये हमको थीटा ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू ए मिला हुआ है। तो ये जो हमारे पास आया थीटा ऑफ सी आया। अच्छा, अगर आप थीटा ऑफ सी भी निकालो तो एक बार देखो कितना आता है, थीटा ऑफ सी भी निकालोगे तो ये आपको क्या मिलेगा, अगेन टी एल वाई जी जे। और ये आपको जो मिलेगा ये आपको सेकंड सेक्शन के लिए मिलेगा ना, तो यहाँ पर अगर मैं सेकंड सेक्शन को लेकर बात करूं तो क्या मिलेगा यहाँ पर, ये आपको अगेन देखोगे टी, टी ऑफ आपको क्या दिखेगा, डेफिनेटली ऊपर आपका ए था ये बी होगा, ये तो आपका ए है, ये वाला पोर्शन आपको बी मिला हुआ है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, डेट इज द टी बाई फोर। और लेंथ की अगर बात करोगे तो कितना दिख रहा है आपको, 3L/4। तो यहाँ पर हमने जो लिखा है ये हमने लिखा है 3L/4 डिवाइड बाई हमने क्या लिख दिया जी जे। सॉल्व करोगे तो अगेन कितना आ रहा है, 3/16 टी एल डिवाइड बाई जी जे। कहानी कुछ समझ में आ, देख लो दोनों सेम है, यही तो बात हो रही थी यहाँ पे।
ठीक है। तो इससे ये सिनेरियो क्लियर है क्या कि अगर आपका जो पैरेलल कनेक्शन होता है तो डेफिनेटली पैरेलल कनेक्शन में अगर आप थीटा निकालोगे तो थीटा आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, लेकिन जो टॉर्क है वो टॉर्क डिपेंड करेगा। और फ्रेंड्स ये जो पहला क्वेश्चन है दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे कई बार एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये कहानी आप लोगों को क्लियर हो गई। तो चलिए अब हम लोग सेकंड, लेकिन ध्यान रखिएगा ये पहले वाले क्वेश्चन से नंबर ऑफ ट्विस्टिंग क्वेश्चंस आते रहते हैं इस तरीके के, और ये जो आपको क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एग्जाम्स में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर आप क्वेश्चंस लगा रहे होंगे तो डेफिनेटली ये चीजें आपको दिख रही होंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगर हम लोग सेकंड को लेकर बात करें तो क्या होगा, रेशियो ऑफ रिएक्शन। ये आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम को देखिए। सबसे पहले इसमें आपको रेशियो ऑफ रिएक्शन टॉर्क निकालना है, मैक्सिमम इंड्यूस शियर स्ट्रेस निकालना, रिलेटिव एंगल आपको निकालना है, जो आपका एंगल ऑफ ट्विस्टिंग दिख रहा है। तो आपका पहला काम क्या है, पहला काम तो आप वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को पॉज करने के बाद सॉल्व करिए, और सॉल्व करने के बाद फिर आप लोग आंसर टैली करेंगे। ये सबसे बेस्ट तरीका है और यही चीज को आपको फॉलो करना है। अगर आपका मान लीजिए सॉल्व कर रहे हैं कहीं पर आपको लगता है कि गलती हो गई है तो ये चीज आप पकड़ लोगे, लेकिन यहां से जो आप गलती पकड़ोगे वो जीवन भर नहीं भूलोगे, ठीक है। अदरवाइज मैं सॉल्व करते जा रहा हूं, अगर आप देखते जाएंगे तो ठीक है आपको सॉल्यूशन तो मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा क्वेश्चन बनाने में। तो चलिए मैं आई होप आप लोग वीडियो पॉज करके बना दिए होंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और देखिए ये आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम को लेकर हमको बात करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए ये आपको सॉल्यूशन टू दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो हम लोग सॉल्यूशन को लेकर बात कर रहे हैं किसके लिए, सेकंड सॉल्यूशन को लेकर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए मेरे पास जो शाफ्ट है, ये शाफ्ट पे इसका एंड क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये पॉइंट हमारे पास है, और इस पॉइंट को लेके अगर हम लोग बात करें तो ये पॉइंट हमारे पास दिया हुआ, ये पॉइंट बी है, ये सी है, इसको हम लोग ले लेते हैं ए, ठीक है, और इसको हम लोग ले लेते हैं डी, ठीक है। जो आपको गिवन डेटा है वो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। ये आप देख रहे हो यहाँ पर आपको 2T और 4T आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये हमारे पास टॉर्क लगा हुआ है, दिस इज द 2T मैग्नीट्यूड का है, और ये आपको मैग्नीट्यूड लग रहा है तो ये आपको क्या मिलेगा, 4T मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो आपको लेंथ दिख रही है, ये आपको एल लेंथ दिख रहा है, यहाँ पर 2L है और अगेन यहाँ पर L है। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये जो हमको लेंथ दिखेगा ये हमको कितना दिखेगा, 2L, और अगेन मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये हमको लेंथ कितना दिखेगा, एल लेंथ, ये जो आपको दिया हुआ है। अभी आपको क्या कहना, डाया भी आपको दिया है, डी आपको दिया है रिएक्शन, रेशियो ऑफ रिएक्शन टॉर्क निकालना है। तो रिएक्शन आपको कहाँ कहाँ पर मिलेगा, डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो ए पे और डी पे आएगा। तो फाइनली जो मुझे निकालना है ये मुझे निकालना है आर ए बाई आर डी, ठीक है, रिएक्शन टॉर्क ये मुझे कैलकुलेट करना है। अब ये चीजें आपकी किस तरीके से कैलकुलेट हो जाएंगी, अगर मैं इन चीजों को कैलकुलेट करना चाहूँ तो किस तरीके से कैलकुलेट कर सकता हूँ, तो इसको हम लोग एक बार समझते हैं। तो आर ए बाई आर डी मतलब हमारे पास जो रिएक्शन है उसी रिएक्शन को तो लेके बात कर रहे हैं। तो उस रिएक्शन पे अगर हम लोग बात करें तो क्या दिखेगा, आपको अगेन क्या करना है, कोई भी डायरेक्शन आप एज्यूम करिए जैसा आपकी इच्छा है। अब यहाँ पर जैसे अगर आप देखोगे तो रिजल्टेंट टॉर्क आपको कैसा दिखेगा, ये आपको देखो 2T दिख रहा है, ये आपको क्या दिख रहा है, 4T। तो कहीं ना कहीं आप रिजल्टेंट देखोगे तो 2T इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन मतलब क्लॉकवाइज में 2T जा रहा है। तो क्लॉकवाइज 2T में जा रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एज्यूम कर लेते हैं टॉर्क। तो ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टी एज्यूम हमने किया, और यहाँ पर भी हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग जो एज्यूम कर लेते हैं वो हमारे पास TD ले लेते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं क्लियर है, अगर या इसमें कुछ डाउट होता है तो आपको जो इच्छा आप वो टॉर्क ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैंने किस अकॉर्डिंग लिया है बता दे रहा हूं, ये आपका 2T है एंटी क्लॉक, 4T आपका क्या है क्लॉक, मतलब यहाँ पर रिजल्टेंट आपका 2T आ रहा है क्लॉक, तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट आएगा इसको अपोज करेगा ना, तो ये आपको मिलेगा टी और टीडी के साथ, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, नेट रिएक्शन टॉर्क हमको कैलकुलेट करना है। तो रिएक्शन टॉर्क कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो टी ए ये हमारे पास आया, प्लस देखो डायरेक्शन सेम है तो इसको हमने लिख दिया 2T, माइनस ये हमको क्या मिलेगा 4T, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगेन आपको क्या दिखेगा, माइनस ऑफ TT, सॉरी ये आपको प्लस लिए हुए, तो ये हमारा क्या दिखेगा, प्लस ऑफ TD, विच इज इक्वल टू आपको क्या दिखेगा, जीरो। तो फाइनली अगर आप देखोगे तो TA प्लस TD इक्वल टू माइनस 2T आ रहा है, इधर ट्रांसफर करोगे तो ये आपको मिलेगा प्लस 2T। तो ये हमको TA प्लस TD का नेट रिजल्टेंट टॉर्क हमको मिला, क्लियर है। अब यहां पर देखिए मुझे A के साथ निकालना है, फिर देखो B, C, D अलग अलग है,
तो यहां पे अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा आप इक्वेशन कैसे करोगे, टी और टी डी अगर लू कैसे निकलेगा। अगर मान लीजिए आप थीटा और बी अगर देखते हैं यहां पर, अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली ये आपका क्या है, पैरेलल में है। पैरेलल में है तो यहां पर जो हमारा एंगल ऑफ ट्विस्ट बराबर होता है, तो यहां पर एंगल ऑफ ट्विस्ट के लिए क्या लिख सकते हैं, देखो थीटा ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, थीटा ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए विच इज इक्वल टू थीटा ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू डी, डायरेक्ट हो सकता है थीटा ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू डी। कहानी समझ में आया, सी को छोड़ देना, ए बी जो है ये आपका क्या होगा, इसके बराबर होगा। और थीटा ऑफ बी डी को मैं क्या लिख सकता हूं, थीटा ऑफ बी सी प्लस थीटा ऑफ सी डी, इसको हम लोग लिख सकते हैं थीटा ऑफ बी सी प्लस थीटा ऑफ सी डी। ये दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। या दूसरा सिनेरियो आपका ये बन सकता है, और थीटा ऑफ ए थीटा ऑफ अच्छा थीटा ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू ए, थीटा ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू ए विच इज, अब थीटा ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू ए को मैं क्या लिख सकता हूं, थीटा ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू बी, थीटा ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू बी प्लस थीटा ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए प्लस थीटा ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, क्लियर, विच इज इक्वल टू, ये आपको क्या मिलेगा, थीटा ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू डी। ये दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो, जो आपको इच्छा हो। यहां से आप जब सॉल्व करोगे तो यहां से चीजें आपको इक्वेट करने के लिए दिखेंगी, तो ये आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा चीज, क्यों इतना माथा पच्ची करना, मैंने आपको शॉर्टकट फॉर्मूला बताया हुआ है, बस अप्लाई कर दो, कहानी खत्म करो, इच्छा है आपकी, ठीक है। आप चाहो तो ये पूरा का पूरा सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, वो भी आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दे देगा। मान लीजिए कि सपोज एक एग्जाम्पल, मैं टी ए निकालना चाह रहा हूं, तो टी ए के लिए मैं क्या कर सकता हूं, टी ए निकालना चाह रहा हूं, तो टी ए के लिए आप कोई भी पहले एक पॉइंट को आप चूज करो। जब आप एक पॉइंट को चूज करोगे तो मान लो आपने जो बी के लिए यहाँ पे नेट टॉर्क अगर आप देखोगे तो कितना, या अगर आप देखो टू टी आपको दिख रहा है तो नेट टॉर्क आपको देखो कितना निकल रहा है, नेट टॉर्क हमने निकाला हुआ है टी ए प्लस टी डी, ये दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा ये बताइए, ये आपका टू टी है और ये आपका फोर टी है। अब हम लोग कौन सा प्लस और कौन सा माइनस ले रहे हैं, इस चीज को ध्यान रखिए, ये जो हमारे पास देखो क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, उसको हमने माइनस लिया हुआ है, ठीक है। ये दोनों का रिजल्टेंट आपको क्लॉकवाइज आएगा, मतलब माइनस टू टी आएगा, तो यहां पर हमने क्या लिख दिया, माइनस ऑफ टू टी, ये हमारे पास नेट टॉर्क आया हुआ है, ठीक है। तो टॉर्क हमको मिल चुका है, याद है फॉर्मूला क्या था, नेट आपका जो रिएक्शन आया हुआ था, यहाँ पे लिख दे रहा हूं अगर आपको याद ना हो, यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ था, नेट रिएक्शन, ठीक है, इनटू हमने क्या किया हुआ था, डिस्टेंस बिटवीन अनदर टू एंड्स, डिस्टेंस बिटवीन अनदर टू एंड्स डिवाइड बाई आपको क्या मिला हुआ था, टोटल लेंथ, यही तो मिला हुआ था, बस यही चीज को फॉलो कर रहे हैं हम लोग। माइनस टू टी आपका नेट रिएक्शन है, डिस्टेंस बिटवीन अनदर टू एंड्स कितना हो गया, विच इज इक्वल टू थ्री एल, तो 3L हमने लिखा, और टोटल लेंथ हमको कितना दिख रहा है, विच इज इक्वल टू 4L, कहानी खत्म है। तो यहां से आप TA निकाल सकते हो, TA आपको कितना मिलेगा, ये आपको मिलेगा 2 × 4, तो ये आपको आएगा माइनस 3 टाइम्स ऑफ TL डिवाइड बाय, अच्छा L का भी कहानी कैंसल है, तो माइनस 3/2T, माइनस 3/2T, ये जो आपको मिला हुआ है ये आपको TA पर मिला हुआ है। तो जब TA निकल चुका है तो TD निकाल सकते हो, तो TD अगर आप निकालना चाहते हो तो या तो आप इस फॉर्मूले से निकाल लो या आप यहां से निकाल लो। तो मान लीजिए कि एंड TD इक्वल टू हम लोग निकाल सकते हैं कहां से, इस मेथड से, इस फॉर्मूले से, 2T माइनस क्या लिखा हुआ है, 2T माइनस ऑफ TA, यही तो हमको लिखा हुआ है। तो यहां पे हम लोग बात कर सकते हैं क्या, ये तो आपको 2T दिख रहा है माइनस, और यहां पे आपको दिख रहा है माइनस ऑफ 3/2 ऑफ T, तो जब आप सॉल्व करोगे तो 2 × 4 = 7, तो 7/2 ऑफ T प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ साइन को लेकर ध्यान रखना, यहाँ पर जो एंटी क्लॉकवाइज है उसको हमने पॉजिटिव ले रखा है, क्लॉकवाइज को हमने निगेटिव ले रखा है। यहाँ पर जो आपका रिजल्टेंट टॉर्क आया वो आपका क्लॉकवाइज आएगा, रिजल्टेंट टॉर्क 2T और 4T में, तो इसलिए हमने यहाँ माइनस ले रखा है। माइनस की वैल्यू है ये, जब आप यहाँ पे रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, टॉर्क ऑफ डी, और ये आपको मिलेगा 7/2 ऑफ टी। कहानी क्लियर है यहाँ तक, चीजें क्लियर। तो ये आपको टी ए और टी डी मिल चुका है, इसीलिए बोला कि शॉर्टकट फॉर्मूले पे जाओगे तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुरंत उड़ जाएंगे, ठीक है। तो टी ए और टी डी अगर आपको मिल गया है तो आप डेफिनेटली यहाँ पर रेशियो ऑफ रिएक्शन टॉर्क निकाल सकते हो, निकाल लेंगे दोनों का रिएक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो -3/7 आएगा जब दोनों को डिवाइड करेंगे। दूसरा आपको क्या बोला है, मैक्सिमम इंड्यूस्ड शियर स्ट्रेस। अब ये बताओ यहाँ डाया तो सबका सेम है ना,
तो मैक्सिमम स्ट्रेस किसका आएगा, जिसका आपको टी ज्यादा मिलेगा। तो आपको अगर बात करें तो टी ए पर निकल चुका है, शाफ्ट ए बी पर निकालोगे तो टी ए के बराबर आएगा ना। ये मान लीजिए कि सपोज ये शाफ्ट वन है, ये आपका शाफ्ट टू है, ये आपका शाफ्ट थ्री है। तो अगर आप निकालोगे टी वन पर, तो टी वन पर किसके बराबर आएगा, टी ए के बराबर आएगा। तो टी ए के बराबर आएगा तो ये आपको मिलेगा टी ऑफ जो टॉर्क ए पर आया हुआ है कितना आएगा, विच इज इक्वल टू ये जो हमने निकाला है माइनस थ्री बाई टू ऑफ टी। उसी तरीके से टी टू पर निकालो, टी टू पर आपका कितना आएगा, टी ऑफ बी सी के बराबर आएगा। तो टी ऑफ बी, और टी ऑफ बी इक्वल टू आपका कितना आएगा, देखो टी ए भी इसी डायरेक्शन में, टू टी भी इसी डायरेक्शन में है। टी ए की वैल्यू कितना आया, माइनस थ्री बाई टू ऑफ टी, ठीक है, और सेम डायरेक्शन में है तो माइनस क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ टी। तो ये जो आपको मिलेगा इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपको कितना मिलेगा, माइनस ये आपका आ जाएगा 437, तो ये आपका आ जाएगा माइनस 7 बाई 2 ऑफ टी, ठीक है। उसी तरीके से टी थ्री अगर आप निकालोगे तो टी थ्री इक्वल टू टी सी आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, माइनस 7 बाई 2 तो आपको मिलना ही है, माइनस 7 बाई 2 ऑफ टी तो आपको मिलना ही है, प्लस ये आपको 40। तो ये जैसा कि अभी माइनस चल रहा था तो ये आपका क्या है, क्लॉक वाइज को हमने क्या ले रखा है, ये आपका क्लॉक कहीं आपका साइन जो है माइनस थ्री बाई टू ऑफ टी आपका आया हुआ है, फर्स्ट को हमने लिखा है एंटी क्लॉक वाइज। एंटी क्लॉक वाइज बेसिकली अगर आप देखोगे तो हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये पॉजिटिव हमने लिया हुआ है, ये आया हुआ है, ये भी हमने पॉजिटिव लिया हुआ है, माइनस ट्वाइस ऑफ टी एंटी क्लॉक वाइज है फ्रेंड्स, तो ये आपका पॉजिटिव आएगा, ध्यान रखिएगा, ये मिस्टेक है। यहाँ पर ये आपका क्या क्लॉक वाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉक घूम रहा है, एंटी क्लॉक को हमने पॉजिटिव रखा है तो प्लस होगा। तो जब आप सॉल्व करोगे तो 4 माइनस 3, ये जब सॉल्व करोगे तो 4 माइनस 3 डेट इज द 1 बाई 2 टी, और यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो इसकी वैल्यू आपकी आएगी प्लस। तो यहाँ पे अगर ये टी बाई 2 हो गया कुल मिलाकर, और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, टी बाई 2 तो आएगा ही, प्लस आपका ये 40। एंटी क्लॉक क्या क्लॉक है, क्लॉक है तो क्या आएगा, माइनस ऑफ 40, ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 4 × 2 = 8 बाई द 7, तो ये आपका आएगा माइनस 7 बाई 2 टी। बस कहानी खत्म है, आगे आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो। इसको आप सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हो, देखो सीधी सी बात है, जिसका टॉर्क ज्यादा होगा उसका शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डाया आपको क्या मिला हुआ है, कॉन्स्टेंट मिला हुआ है, ठीक है। शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला हमारे पास होता क्या है, अगर मैं शियर स्ट्रेस को लेकर बात करूं तो शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला हमको क्या दिखेगा, तो शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला मैं यहां पर आपको लिख देता हूं, ऐसे याद हो गया होगा। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, विच इज इक्वल टू 16t डिवाइड बाय पाई डी क्यू। अब ये बताओ यहां पर अगर मैं डाया को लेकर बात करूं तो डाया तो आपका कांस्टेंट है ना, ये जो मैं डाया को लेकर बात करूं डाया तो कांस्टेंट है, तो जिसका टी ज्यादा होगा उसमें मैक्सिमम होगा, टी के जगह टी मैक्सिमम होगा यहाँ पर, बस वही कहानी करनी है। और रिलेटिव एंगल ऑफ ट्विस्ट आपको निकालना है तो डेफिनेटली ये थीटा ऑफ बी ए निकालना है या ये निकालना है। अब ये वाला पोर्शन लंबा है तो डायरेक्ट थीटा ऑफ बी ए आप निकाल लो, थीटा ऑफ बी ए निकालोगे तो आपको क्या दिखेगा, थर्ड वाला पोर्शन। अगर ये पूरा कन्वेंशनल क्वेश्चन है लेकिन ऑब्जेक्टिव के कंसेप्ट आपके खुलेंगे, थीटा ऑफ बी अगर मैं बात करूं तो थीटा ऑफ बी हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा ऑफ बी ए, थीटा ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या मिलेगा यहाँ पर, यही निकालना है, टी एल बाई जी जे, कहानी खत्म है, टी एल बाई जी जे। और टी एल के जगह टी आप क्या रखोगे, टी वन रखोगे, तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे टी वन, एल की वैल्यू क्या रखोगे, एल की वैल्यू आपको एल ही दिया हुआ है तो ये एल हो जाएगा डिवाइड बाई जी इंटू जे पाई बाई 32 डी की पावर 4, कहानी खत्म है, ठीक है। ये जो हम लोग एंगल ऑफ ट्विस्ट है तो सॉल्व, देखिए फ्रेंड्स सॉल्यूशन तो आपको खुद घर पे ही करना है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूं उस कंसेप्ट को पकड़िए, क्योंकि वो कंसेप्ट को लेना हमारे लिए ज्यादा बेटर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में जो हमने बात किया हुआ है, हमारा जो क्वेश्चन था वो बेस्ड ऑन पैरेलल पे था। इसके बाद आपको क्या करना है, घर पे हो क्वेश्चंस उठाइए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है। अगर आप कन्वेंशन की तरफ मूव नहीं करना चाह रहे हो तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाओ, लेकिन इन क्वेश्चंस को कर लो, यहां से आपके साइन के कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे, रिएक्शन टॉर्क बोलेगा, ठीक है। और यहां पर जो मैंने एक शॉर्टकट मेथड आपको बताया हुआ है ना, उस चीज को आप डेफिनेटली ध्यान रखिएगा। ये जो आपको यहाँ पर मैंने जो लिख के अभी रफ किया हुआ है उसको आपको याद रखना और ध्यान रखना, वो आपका तभी एप्लीकेबल होगा जब दोनों एंड आपके फिक्स होंगे। दूसरा चीज, डाया क्या होगा, सेम होगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं क्या कि ये जो मैंने शॉर्ट फॉर्मूला, जो शॉर्टकट फॉर्मूला आपको बताया हुआ था, ठीक है,
ये जो मैंने आपको शॉर्टकट फॉर्मूला बताया हुआ है वो कहां पर एप्लीकेबल होगा, अंधाधुंध अप्लाई नहीं करना है। पहला जो आपका डाया है, डाया शुड बी सेम, ठीक है, मतलब प्रिस्मैटिक बार डायरेक्ट लिख देता हूं, मतलब वही है, वो आपका तभी यूज होगा जब आपका बार कैसा होना चाहिए या शार्प कैसा होना चाहिए, प्रिस्मैटिक होना चाहिए, क्लियर। दूसरा, बोथ एंड्स आर फिक्स्ड, बोथ एंड्स आर फिक्स्ड, ये कहानी होनी चाहिए। अगर ये सिनारियो होगा तभी आपकी चीजें क्या होंगी, कंडीशंस, ये चीजें मिलेंगी, ठीक है, तभी उस फॉर्मूले को हमको यूज करना रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट।